नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। यह है मोबाइल चोर जिसका नाम है पंकज कुमार, जो कि ट्रेन की खिड़की से मोबाइल को झपटकर अपने साथी को दे देता है, लेकिन यह यात्रियों के द्वारा पकड़ा जाता है। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर चल रही होती है तो यह यात्रियों से बोलता है कि प्लीज भैया हाथ छोड़ दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, प्लीज भैया हाथ छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा हाथ टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे जाती है तो यही यात्री मिन्नतें करने लग जाता है कि प्लीज भैया हाथ मत छोड़िए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारी जान चली जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस यात्री के बारे में जिसका नाम है सत्यम कुमार, जिसने क्या कहा है इस चोर को लेकर। तो दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देखा, दरअसल उस यात्री का नाम है सत्यम कुमार जिसका मोबाइल चोरी हुआ था। इस चोर ने तुरंत मोबाइल झपटकर अपने दूसरे साथी को दे दिया, लेकिन इसका दूसरा साथी स्टेशन पर पैसेंजर्स के द्वारा पकड़ा गया और उसे जीआरपी थाने में भेज दिया। सत्यम कहते हैं कि मैं बेगूसराय से सफर कर रहा था और खिड़की के पास बैठकर बातें कर रहा था, इसी दौरान मेरा मोबाइल छीन लिया गया और मोबाइल छीनकर चोर ने अपने साथी को दे दिया। उसके दूसरे साथी को अन्य यात्रियों ने स्टेशन पर पकड़ लिया। पकड़ गए चोर को जीआरपी थाने में पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है और यह चोर जिसका नाम है पंकज कुमार, इसको भी जेल भेज दिया है। तो दोस्तों 15 किलोमीटर तक यह लटका रहा। अगर पैसेंजर ट्रेन के यात्री चाहते तो ट्रेन पुलिंग करके भी इसी चोर को छोड़ सकते थे, लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी था। आप लोगों का क्या कहना इस चोर को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं बता दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।